मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एसीपी नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अब वो नहीं बचेगा। हो गया इसका गुस्सा ठंडा, बच गए। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो कि हमको सुनाई देना बंद हो गया है? कान चेक करो कोई, अरे कान चेक करो भाई। हेलो, 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक। कान ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए राठौड़वा, तू यहाँ पर आकर बैठ, बैठेगा कि नहीं? चला के बैठ। अरे बैठना यार, इतना गुस्सा करना अच्छा बात नहीं है, शांत हो जाओ। बताओ वो कौन है भाई जो कि तुम्हारा हाथ से छूट गया है? पार्टी बदल दी उसने। पार्टी बदल दी है? कौन इतना बड़ा हिम्मत किया? अरे वही कमीना माथुर। अरे वो पार्टी बदल दिया है तो अब तुम उसको छोड़ो मत, उसको यहाँ बुलाकर काट डालो। अरे मंत्री जी बात को समझो, वो होम मिनिस्टर का खास आदमी है, पता है? ये बात तो हम भूलिए गए थे भाई। ए, वो कुछ हो, उसको यहाँ बुलाकर नीचे से लेकर ऊपर तक दो फाक में बांट देंगे, बुलाकर काटो ये उसको। काम मुझ पे छोड़ो। तुम जानता है उसको? वो आखिर है कौन? क्रिमिनल ही है ना, किडनैपिंग मर्डर बहुत सारे केस चल रहे हैं उस पे। बस हाँ बोलो, एनकाउंटर कर दूंगा उसका। तो बड़ा काम का आदमी है रे। अरे तुम मना काहे कर रहा है? अगर ये मारेगा तो इसे एक मेडल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। अगर यही काम मैंने किया तो लोगों के दिलों में मेरा खौफ हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। एकदम सही कहा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे इलाके में। अरे बाप रे, तू दोनों का बात सुनकर हमारा दिल कितना खुश हो गया। अब उसको यहाँ पर पकड़ कर लिया और जल्दी से जल्दी उसको यहीं पर सलटा दो। अरे मंत्री जी हर चीज की जल्दी रहती है आपको, काट डालेंगे उसे कहा ना? हाँ तुम ही काटना उसको, छोटा 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 टुकड़ा कर देना। अरे वाह वाह, काफी तैयारी में निकल रहे हो। हाँ। बहुत बड़ा काम है क्या? बहुत दिन के बाद आज भाई काम पे निकल रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद भाई अपने हाथों से काटने वाले हैं। लगता है पूरा जंगल ही काटना है। चलो चलो। अरे अरे एक मिनट एक मिनट, रुको भाई रुको। अरे तू कहाँ जा रहा है? वो खास वाला कहाँ रखा है मामा? भगवान की फोटो के पास। ए भोलेनाथ, यहाँ पर पहली बार मैंने यही बनाया था, इसमें ऐसी शक्ति डाल दे कि एक ही बार में काम हो जाए। अच्छा सुनो भाई, ये मालिक को दे देना। हाँ दे देंगे, चलो रे। अरे भैरव, ए क्या हुआ, तूने वो क्यों दे दिया? उनका काम बहुत जरूरी है। लेकिन वो, अरे वो भगवान का। चलो ना। ए भैरव, चल तुझे दिखाता हूँ भाई कैसे काटते हैं। ए चल ना, चल हम भी देखते। अच्छा ठीक है चलो। एक बात बताऊं क्या तुमको? हाँ बोल बोल। तुमने पूछा ना वो कोयता क्यों दिया? हाँ उससे मालिक का काम फटाफट हो जाएगा। हाँ। और उससे होगा ये कि वो मुझे नौकरी से हटाएंगे नहीं। सही बोल रहा है तू, शहर आए 4 दिन हुए, बहुत तरक्की कर ली तूने। हाँ अपन बहुत फास्ट। हाँ। है मामा। हाँ? वो राठौर साहब के आदमी उस आदमी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? का चक्कर बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं विक्रम राठौर, शहर का बच्चा बच्चा जानता है मुझे, यहाँ का बादशाह हूँ मैं। जी जानता हूँ। मेरे मामले में टांग अड़ाना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं इसलिए तूने मुझे छेड़ दिया माथुर। गलती हो गई साहब। इसकी सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि पूरा शहर कांप उठेगा। मामा, हाँ ये तो वही कोयता है। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, मेरी मेरी से गलती हो गई साहब। हे महादेव, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। भीड़ क्यों यहाँ? चलो साइड हटो, हटाओ इन सबको, चलो चलो। ऑर्डर हो गया यहाँ पर। सर सर पीछे 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 पीछे। आज का पंचनामा किया गया? हाँ सर। जल्दी से जल्दी सड़क से हटाओ, यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो इसे उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। उठाओ ना जरा, चलो उठाओ ले जाओ सर। चलो चलो जी सर, फटाफट
और एक एक करके पूछो। हाँ बोलिए सर, बताइए सर, आपको किस पे शक है? देखिए अभी अभी तो खून हुआ है, तुरंत कुछ कहना मुश्किल है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये खून किसने किया ये तो सारा शहर जानता है, आप नहीं जानते क्या? सर आप उसका नाम बताइए। आप ही बता दीजिए उसका नाम। हाँ क्यों याद नहीं आ रहा है? यही तो बात है, दिन दहाड़े खून हो जाता है, हजारों लोग हैं यहाँ लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। यहाँ भी इतने सारे लोग हैं, किसी से भी पूछ लीजिए क्या यहाँ खून होते हुए देखा? नहीं देखा। किसी ने हेलमेट पहना हुआ था, कोई फोन पे बात कर रहा था, कोई सिग्नल क्रॉस कर रहा था, देखा सबने है लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। चलिए मैं ही पूछता हूँ, आपने कुछ देखा क्या? सर, मैं तो अभी अभी अच्छा मतलब कुछ नहीं देखा, सुन लिया ना, इसने भी नहीं देखा। आप में से कोई कुछ देखा? नहीं सर, नहीं नहीं देखा। तमाशा सब देखते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू। कमाल की धार है इसकी, शाबाश। कमाल का औजार बनाया है, पता नहीं कितनों को मारा है मैंने, कितने टुकड़े किए हैं, पर आज तो एक ही वार में खलास। बड़ी मस्त चीज है रे ये तो। काम का लड़का है तू, मैंने सही कहा ना? भाई बिल्कुल सही। आज इस खुशी के मौके पर नाचो झूमो खुशी मनाओ। क्या कह रहे हो? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। झगड़े तो हमारे गांव में भी होते हैं, जमीन जायदाद लड़की को लेकर कई बार झगड़े होते हैं और लोग एक दूसरे से मारपीट करते हैं और कई बार जान से भी मार देते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को मारना इन्होंने अपना पेशा बना रखा है। दुख तो इस बात का है कि ऐसे लोगों की यहाँ मैं काम करता हूँ। देखा जाए तो एक तरह से मैं भी इस पाप का भागीदार हूँ ही, मेरे बनाए औजारों से ही तो उनकी दुकान चलती है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। भैरव, अच्छा होगा कि हमें शहर छोड़ दें, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ सकता है। इससे पहले कि कोई और गड़बड़ हो जाए, चल वापस गांव चलते हैं। ठीक कह रहे हो मामा, ना इस शहर में रहना है ना इनकी नौकरी करनी है। गाँव में जो भी रुखा सुखा मिलेगा उससे गुजारा हो जाएगा। चलिए चलते हैं। जहाँ आप नहीं रहना चाहते वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता, काम हो जाना चाहिए। एक मिनट रुको। भैरव क्या बात है, क्या काम है? मालिक वो घर पर पूजा है, अगर आप कहें तो जाकर आऊं। जाना जरूरी है क्या? जाना पड़ेगा मालिक, मैं नहीं जाऊंगा तो माँ की मदद कौन करेगा? पैसे वैसे की जरूरत है क्या? नहीं नहीं मालिक, आपके वैसे भी बहुत उपकार हैं। ठीक है जा, लेकिन जल्दी आ जा। हाँ ठीक है मालिक। हेलो, हाँ तो मैं कह रहा था कि उसको वही निपटा दो। बस 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 यही रुक, यही रुक। कितने हुए? 40 और दे दीजिए। ये लो, तुम जाकर क्लास में बोल दो। हाँ। कल से तुम नहीं आ पाओगे। ओके। मैं जाकर मामा को लेकर आता हूँ, ठीक है ना? ओके।
ऊपर वाले ने तुझे फुर्सत में बनाया है। तेरे अंग अंग को भड़कीला और भड़कीला बनाया है। एक बार मुझे तेरा रसपान करने को मिल जाए, देर मत कर, अपने अधरों का रस दे दे, मुझे तृप्त कर दे। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? एक बार मेरी आगोश में आ जा, जन्नत दिखाऊंगा। चुप कर। चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे लोटन कबूतर रे, गुटर गुटर। बताऊं तुझे अभी? गुटर 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 गुटर। जब तेरे छूने से वायलिन में इतना सुर है तो तेरे जिस्म में कितनी आग होगी। अपनी जिस्म की आग से मुझे भी एक बार जला दे, न जाने क्या क्या निकलेगा जब होगा हमारा समुद्र मंथन। जाने दे इसे। कहा ना जाने दे। जानता मैं कौन हूँ? तू चाहे कोई भी हो, गलत करेगा तो भुगतेगा। बेटे को कोई मार रहा है सर? राठौड़ के बेटे को मारने का मतलब मौत को बुलाना सर। इसका भी वही हाल होगा। चलने दो जो चल रहा है, हर जगह टांग अड़ाना जरूरी नहीं है। चल गाड़ी चला। ये मेरी पत्नी है। पता नहीं कहाँ रह गया ये। मामा निकले क्या? अरे निकले तो कई जमाने हो गए यार। पता है तुझे क्या हुआ? क्या? मालिक का बेटा अस्पताल में सीरियस पड़ा है। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो तो मालिक का एक लौता बेटा है ना, क्या हुआ उसे? जैसी करनी वैसी भरनी, उसके साथ कभी कुछ अच्छा होगा क्या? छोड़ना मामा, किसी के जले पे नमक क्या छिड़कना। बाप गलत है इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटा भी गलत है। जो भी हो, हमने उनका नमक खाया है, जाकर देखना तो बनता है। तुम जाकर गौरी को भी हॉस्पिटल ले आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, जल्दी करो। हे भोलेनाथ, बाप ने जो पाप किए हैं उसकी सजा भला बेटा क्यों भुगते? वो बेचारा अस्पताल में है, उसे आप जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए भगवान। जय भोलेनाथ।
किसने की मेरे बेटे की ये हालत? चल बताओ, से यही जिंदा गाड़ दूंगा, सिर्फ नाम बता तू। तो मेरे को मालूम नहीं है कि विक्रम राठौड़ पर हाथ डालने का क्या मतलब होता है। चल निकल, ढूंढ कर ला उसे। चलो 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 सर, चलो जल्दी चलो। मालिक, भैरव मालिक, क्या हो गया आपके बेटे को? जा अंदर जाकर देख क्या हालत हो गई है मेरे बेटे की। जा देख। जाता हूँ।